अभी जो है जैसा कि मैंने बनाया था, तो फिर हम लोग नीचे आना जाएंगे और अपने जो है दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। और सुबह का शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा मज़े का हो जाता है। जैसे कि हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, और अब तो पार्क वगैरह की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ हर जगह गंदगी इतनी ज़्यादा पड़ती है। पता नहीं हर जगह है या नहीं, लेकिन हमारे कराची में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हर तरफ मतलब आप निकल ही नहीं सकते, और गलियों में भी इतनी किचकिच हो रही है। मतलब अभी तो इस कदर भी अगर बारिश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी घरों में लोगों के पानी घुस गया था, जैसे कि आप लोग देख ही होंगे सबने। लेकिन अलग अलग लाख लाख से तरह फिर हम लोग के घर में थे, लेकिन जिनके घर नीचे हैं या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा रोड से काफ़ी नीचे हो जाता है, तो उस वक्त जो है सारा पानी जो आपका रोड का होता है वो सारे आपके घरों में आ जाता है। तो काफ़ी जगहों पर ऐसा हुआ है, और मतलब यही नहीं कि हमारे लोकल एरिया हैं, मतलब पोस्ट एरिया में भी यही हो रही है हालत, और हमसे भी शायद बुरी हो रही है। जैसे डिफेंस वगैरह यहाँ के जो हैं, तो उस साइड भी आर डी एच से, तो वहाँ पर भी सब जगह घर में पानी घुस गया है। तो बस यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में बस बारिश हो, रहमत बने, रहमत ना बने। और काफ़ी मतलब यही नहीं कि इंसानों का जानी नुकसान भी हो रहा है, और जानवरों का हर तरीके से मतलब तबाही हो ही जाती है। तो बस ये अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे अपना। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे और मैं भी आई हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। ये थोड़ा सा एक होता है ना, इंसान नीचे रह रहे के थोड़ा सा आप कहीं आए जाए तो उससे भी एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो बस यही था कि थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, और उसके अलावा जो है हम भी थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो चले मैं नीचे चलती हूँ, फिर आपको जो भी होगा दिखाते हो। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें आई हैं देख। तो भी बस देखिए यहाँ पर मेरे थे कि मैं आपको बताया था इतनी सारी चीज़ें आई थी, और यहाँ पर देखा स्विमिंग पूल हो रहा था, और यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस शाम का टाइम ऐसे अच्छा लगता है, खाने पीने कर सकते हैं। शाम का टाइम में चाय वगैरह तो मैंने बनाई नहीं, नीचे जाऊँगी चाय वगैरह बनाऊँगी, और इसके अलावा रिफ्रेशमेंट का थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि इसमें आप मौसम में ही होता है कि पकौड़े वगैरह हो या फिर चाय हो गर्म गर्म, तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये जो आप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, हमारा सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम पे, तो यहाँ पे हम लोग सब बैठे थे सुबह, और बच्चे भी उठ के अपने काम में भी लग गए थे, क्योंकि इनको उठने के बाद थोड़ा ये पढ़ने वगैरह बैठा देती हूँ लोगों को, और इसके अलावा जो था अपने रेगुलर के जो काम होते हैं वो भी सारे चल रहे होते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अभी इनके एग्ज़ाम्स हों, मतलब सारे स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन करके रखनी है। तो बस यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पीएंगे, तो उसके बाद रेगुलर सफाई वगैरह की जो होती है वो सारी क्लीनिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बेड वाले रूम में आ गई थी, और यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े वगैरह रेगुलर, जैसे हम लोग सुबह का टाइम होता है तो हर तरफ फैला हुआ होता है कपड़े वगैरह सब चीज़ें, तो बस वही मैं यहाँ पर समेटूँगी, फिर उसके बाद अपनी झाड़ पोछ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे थोड़े बहुत ये देखिए मैं दिखाई थी कपड़े इतने पड़े हुए थे, और मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धोए थे, तो वो भी धोऊंगी। और ये हमारे जब नाश्ता है ना, बस होता रहता है, बच्चे जब उठते हैं तो बस थोड़ा कभी कभी सबके घर में इसी तरीके से थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो यहाँ पर भी बस यही रहता है। तो भी मैंने चाय वगैरह यहाँ पर कर लिया था, और किचन वगैरह बड़ा साफ था, तो यहाँ पर मेरी बेटी लगी हुई थी सफाई वगैरह लग जाती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो मैं इनको अपने साथ ही मतलब काम वगैरह में लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं खुद किचन में आ गई थी, और अब यहाँ पे मैं किचन में बर्तन वगैरह धोऊंगी, फिर उसके बाद जो था अपने लंच की तैयारी करूँगी। तो आज जो है लंच में कुछ ज़्यादा इतना हैवी नहीं बनाऊँगी, बस नॉर्मल से मैं खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि कल हम लोगों ने बनाया था कोफ्ते वगैरह, तो कल भी जो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड नहीं करी थी रेसिपी वगैरह, क्योंकि कल हमारे लाइट का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट से ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और फिर ये होता है कि जब इंसान डाले तो उसी वक्त मतलब अपनी वीडियोस वगैरह तो सही रहती है, और फिर जब डिले हो जाती तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो बस ये था, जैसे वैसे जो थी मैंने बनाई नहीं थी, बस ये एक मतलब मॉर्निंग का ही जो मतलब इवनिंग का क्लिप्स था वो मैंने आप लोगों से देखा था, और फिर जो था ये अभी मेरा आज के ये जो आप लोग देखेंगे सुबह मॉर्निंग का, तो यहाँ पर मैं कपड़े मतलब बर्तन वगैरह धोऊंगी, और उसके बाद जो है अपना पकाने का करूँगी। और आजकल मतलब बारिश कितना हो रहा है पता नहीं चल रहा ये कब हो जाए, तो इस वजह से कपड़े वगैरह भी धोने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। और बस ये थे कपड़े भी मैंने धोए नहीं, इंशाल्लाह धोऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों को मैंने ये बैठी थी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट बाकी था कंप्यूटर का, तो ये मुझसे कह रहा था मम्मा ये थोड़ा सा मुझे काम करवा दें, तो बस मैं इसका काम वगैरह करवाऊँगी। व्यूअर्स वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी सुबह में मॉर्निंग का टाइम है, और इस वक्त बज रहे हैं 10। तो ये मेरा बेटा है मास, कौन सी क्लास में हो?
5 क्लास में पढ़े और हो गया तुम्हारा कंप्लीट बस नहीं तो अभी ये जो है अपना काम कंप्लीट करेंगे और हमने जो है काम वगैरह सब कुछ हो गई है यहाँ पे और इसके अलावा तब मुझे पकाने का तुम लोग पकाऊंगी और क्या बनाऊँ वहाँ से आज खाने में दाल बनाओ टिक्का वाह तुम्हारे घर पे बनाओ मुझे टिक्का चाहिए बता दिया आपने चावल बनाओ रोटी बनाओ ये बताओ मुझे चावल में क्या है चावल में कुछ नहीं है बता दो बस तो बिरयानी इनको बिरयानी चाहिए तो देखें क्या बनता है मास का बनेगा तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैं हस्बैंड के बैठे मतलब सामान वगैरह लेने के लिए तो यहाँ इनकी एक दो पुक्स नहीं थी मतलब ऐसे तो इन बच्चों की जैसे कि ये लोग सब ऊपर नीचे समझ रहे हैं एक 7 में एक 6 में एक 5 ये तुम्हारी और सबसे छोटा बेटा मेरा 4 है तो इनकी एक दूसरे की बुक्स काम आ जाती हैं तो अभी ये जो दो बुक्स थी इनकी चेंज हो गई थी आपने बोला तो ये मुझे नहीं लेनी थी और अभी शाम से मतलब स्कूल होने वाले हैं तो उसके लिए मुझे इन लोगों की राइटिंग वगैरह करवाने के लिए चाहिए था क्योंकि होमवर्क खराब था समर वेकेशन तो मैं इनका काम करवाऊँगी तो अभी बस तो बस दो चार दिन में ये काम भी इनका कम्प्लीट हो जाएगा और ये देखिए मैं किचन में आ गई थी तो मैं यहाँ पे बना रही थी खिचड़ी लाल दाल की तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनती है और तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटे बहुत ज़्यादा हुआ तो उसमें बन के रेडी हो जाती है वैसे तो 20 मिनट में ये रेडी हो ही जाती है तो यहाँ पे मैंने जितनी दाल ली थी मतलब दो प्याले ली थी आधा किलो समझ लिया और उतने ही मैंने यहाँ पे जो है चावल भी इतने ही लिए थे तो दोनों का जो एवरेज है वो मैंने बराबर रखा था क्योंकि थोड़ी कम हो जाती है मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती तो कहते हैं बराबर की दाल में तो फिर मैं बराबर ही की लेती हूँ फिर उसका मतलब जो टेस्ट आता है वो भी बहुत अच्छा आता है मतलब यूजली होता है कुछ लोग चावल ज़्यादा कर देते हैं दाल कम तो उससे जो है टेस्ट अच्छा नहीं बनता तो आप बराबर की लें अगर एक पाव दाल है तो आप एक पाव ही चावल लें तो ये मैंने ली थी बराबर की और इसके अलावा यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स थे यहाँ पर मैंने प्याज देखे यही मैंने ना फ्रीज़र कर दी थी मतलब बंद तली हुई है ये सारी प्याज और फिर बच गई थी मैंने सालन बनाया था तो अभी उसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरे जो सालन है उसमें ऐसे ही ऐड कर दूँगी मतलब ये बस ऑयल गर्म करूँगी और उसमें ये प्याज डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले जैसे कि काली मिर्च लूँगी बड़ी इलायची ले लें और ही दाल चीनी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें जीरा ले लें नमक का इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलता तो मैं मसाले नहीं डालूँगी तो बस मैं यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी हमारी प्याज में हल्का सा फ्राई करूँगी मतलब गर्म कर लूँगी फ्राई कर और इसके अलावा चटनी है ऑलरेडी बनी हुई होती है लहसुन की चटनी हम लोग खाते हैं ज़्यादा शौक से तो वो सारी बनी हुई उसको मैंने फ्रीजर कर दी है और वो भी वो निकाल लेंगे खाने के टाइम पे तो यहाँ पे देखें प्याज हो गई थी और मैं सारे मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद जो है उसमें मैंने खिचड़ी ऐड करनी है तो बस ये जब डाल के और जिसकी क्वान्टिटी में आपने इसमें मसाला रखना है पानी उसके हिसाब से आप रखें और उसके ऊपर कंटे पीते हैं तो बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगी खरीदी खिचड़ी बनती है पतली नहीं बनती तो ये देखिए मैंने अपने यहाँ डाल दी थी खिचड़ी और ये बस इसको मैं एक डोज दूँगी मतलब बॉयल करूँगी एक दफ़ा या दो दफ़ा फिर उसके बाद मैं इसको मीडियम आँच पे हल्के जैसे कि हम लोग दम पे रखते हैं चावल वगैरह वो डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी और ये बहुत मज़ेदार बनती है सबसे ज़्यादा ये कि बहुत ज़्यादा जल्दी बन क्या हुआ तो बस ये पानी 10 से 15 मिनट में ये जो है बन के रेडी हो जाएगी हमारी तो ये देखिए अभी 1 बज रहा था और यहाँ पे बच्चों को मतलब नमाज़ पढ़ने भी जाना था तो बस उससे पहले हम लोगों ने खाना वगैरह भी छा लेता तो बस हम लोग खाना खाएंगे तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।